सो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू वन अदर वीडियो गाइस। तो अभी का सीन पानी ये है कि आज हमें जाना राजस्थान, अपने भाई की शादी है तो वहाँ जाएंगे, और अपनी शाम की बस है। लेकिन उससे पहले थोड़ा बहुत काम है, और आज बहुत ज़्यादा ही ठंड है, जैसा कि आप मुझे देख पा रहे हैं। बाहर का मौसम मैं आपको भी दिखा देता हूँ। तो बाहर का मौसम आपने देख ही लिया, इतना ज़्यादा ठंडा हो रखा है ना कि मतलब धूप ही नहीं निकल रही है अभी भी, और 12 बज रहे हैं और धूप का नामो निशान नहीं है। चलिए हम खाना खा लेते हैं, सुबह से कुछ नहीं खाया है। 2 hours later सो फाइनली खाना खा के हम आ चुके हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, पराठे और छोले, मज़ा आ गया। तो चलिए चलते हैं, एक और मुझे काम है, मोहाली जाना है। पहले वहाँ चलते हैं और फिर हम पैकिंग करेंगे, और उसके बाद हम निकल जाएंगे अपने ट्रैवल करने के लिए, अपने भाई की शादी के लिए डायरेक्ट राजस्थान। 2 hours later सो इतना सब सामान जाने वाला है शादी के लिए, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तो फिलहाल पैकिंग करते हैं, हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, तो फिलहाल पैकिंग करते हैं और फिर चलते हैं यहाँ से। One eternity later. सो फाइनली यहाँ पर हम 17 पहुँच चुके हैं, और अपनी मेहनत सफल लाई, हम टाइम से पहुँच चुके हैं। और ये अपनी धन्नो खड़ी है जिसमें हम जाने वाले हैं। अभी टाइम है ऑलमोस्ट 10-15 मिनट और है, तो फिलहाल बहुत अच्छी बात है कि हम टाइम पे ही पहुँच चुके हैं, वरना लेट हो जाते तो और बस नहीं थी इसके बाद। तो चलिए बैठते हैं अंदर, यहाँ थोड़ी ठंड है, मिलते हैं आपसे रास्ते में। और एक बात आपको बतानी तो मैं भूल ही गया, क्योंकि पिछली बस में हम जिसमें हम ट्रैवल कर रहे थे 17 के लिए, वो पूरी की पूरी खाली थी, सिर्फ मैं ही था, और बहुत मज़ा आया, काफ़ी जल्दी पहुंच गए। सो फाइनली अपनी बस भी चल चुकी है, और अभी हम चंडीगढ़ को बाय बाय कहने जा रहे हैं। चलिए चलते हैं राजस्थान के सफ़र पर। Later. So finally यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं करनाल। ठंड छोड़ी है क्योंकि रात बढ़ रही है, तो टेम्परेचर एकदम बढ़ रहा है। और ये अपनी पीछे धन्नो खड़ी है, तो यहाँ पर हम अभी रुके हैं ब्रेक के लिए, थोड़ी देर बाद यहाँ से निकलेंगे, और आई गेस इसके बाद कोई स्टॉप नहीं है, होगा तो देखेंगे, नहीं तो ना ही रुके तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ठंड बहुत है, कौन ही बाहर निकलेगा। तो चलिए फिलहाल ठंड को इंजॉय करते हैं, और ब्रेक को भी, बाकी सफ़र का मज़ा लेते हैं। Seven hours later. So फाइनली यहाँ पर हम चरखी दादरी पहुँच चुके हैं, और भाई साहब पूरा बस स्टैंड खाली है, क्योंकि सुबह ही है, सुबह के एक मिनट चेक, सुबह के 2:45 हो रहे हैं, तो ओबियसली कोई नहीं होगा। फिलहाल हाथ उठ सेकते हैं,
और चाय पीते हैं और फिर चलेंगे हम नारनौल। ऑलमोस्ट 2 घंटे की दूरी पे है, सिर्फ 2 घंटे की दूरी और है और फिर हम पहुंच जाएंगे। लेकिन उसके बाद फिर बस का वेट भी करना है, तो चलिए चाय पीते हैं उससे पहले। सो फाइनली यहाँ पे अपना हाफ टाइम भी पूरा हो चुका है और अभी हम जा रहे हैं बस की ओर। बाकी सब भी आ रहे पीछे, कहाँ गए, पीछे आ रहे हैं। तो चलिए चलते हैं और अपनी मंजिल की ओर पहुँचते हैं। सो फाइनली यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं नारनौल और धुंध बिल्कुल भी नहीं मिली। मुझे लगा धुंध मिलेगी तो थोड़ा लेट हो जाएंगे, लेकिन बस अपने एग्जैक्ट टाइम पे है। ऑलमोस्ट सुबह के 4:15 बज रहे हैं और अभी भी दिन निकलने में ऑलमोस्ट 1.5 घंटा और है। तो फिलहाल वेट करने के अलावा हमारे पास और कुछ नहीं है, तो बाहर चल के चाय पीते हैं और सनराइज़ होने का वेट कर रहे हैं। बहुत टाइम हो गया सनराइज़ देखे हुए, तो चलिए बाहर चलते हैं। तो फाइनली यहाँ पर हमें हमारा भाई मिल चुका है और अभी बस को आने में ऑलमोस्ट 1.5 घंटा और था, क्योंकि हमने सोचा था कि सुबह धूप पड़ेगी तो थोड़ा लेट पहुँचेंगे और बस में हम 7 बजे बस में चलेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और धूप पड़ी नहीं, तो हम टाइम से पहले ही पहुँच गए। ऑलमोस्ट 4 बजे पहुँच गए थे, 1.5 घंटा। थोड़ा सा चाय वगैरह पी, थोड़ा सा रेस्ट किया उधर ही, लेकिन ठंड ज़्यादा पड़ते हमने फ़ोन कर दिया था। तो अभी हम जा रहे सीधा घर की ओर। सो फाइनली यहाँ पर हम सो के उठ चुके हैं और अभी हम रेडी होएंगे क्योंकि टाइम हो रहा है 2:00 PM। तो चलिए इसी के साथ मैं इस व्लॉग को एंड करता हूँ। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको आने वाले व्लॉग्स के बारे में पता चलता रहे। तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी। ओके। हाईवे है, खुला एरिया है तो ठंड ज़्यादा ही है और ये पीछे अपनी धनो खड़ी है। तो फिलहाल थोड़ा सा एक्चुअली सो फाइनली यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं करनाल।